कांग्रेस आलाकमान से नाराज हो गए हैं अधीर रंजन चौधरी। बिना बताए पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में साइडलाइन चल रहे अधीर रंजन चौधरी सोमवार को पश्चिम बंगाल कांग्रेस की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक में अधीर रंजन के साथ ही राज्य के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य, अब्दुल मन्ना और दीपा दास मुंशी जैसे दिग्गज भी मौजूद थे। बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने अधीर को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहा। तब अधीर को मालूम हुआ कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। चुनाव के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ तीखे बयान दिए थे। ममता ने अधीर को लेकर नाराजगी भी जताई थी। तभी से अटकलें थी कि ममता से रिश्ते दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस अधीर रंजन को हटा सकती है। देखिए, मीटिंग कुछ नहीं हुई बंगाल में कांग्रेस पार्टी को और ताकतवर करने के लिए क्या का कदम उठाना चाहिए, इसके अलावा और मीटिंग में कुछ हुआ नहीं। हालांकि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी को हटाया गया वो इस बात से नाराज हैं। पिछली लोकसभा में विपक्ष के नेता थे अधीर रंजन चौधरी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।